ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स बिगिन। तो जनाब, सलाम वालेकुम। आई एम इस्मान एंड आई एम हियर। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ आवर टुडे। आई एम फ्रॉम द मार्केटिंग टीम एंड वी हैव विद अस टुडे मिस्टर हबीब ममता, हु हैपेंस टू बी फ्रॉम द बिजनेस डेवलपमेंट टीम एंड ही इज द सीनियर मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट। इसके अलावा हमारे पास मिस्टर हसाम महमूद हैं, जो कि एनरिचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड से हैं, एंड इट्स वन ऑफ आर लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेज। तो इन्हें भी हमने अपने साथ आज शामिल किया है। थोड़ा सा मैं आज के प्रोग्राम के बारे में आपको फॉर्मेट बताता चलूँ। तो बेसिकली वी विल बी हैविंग प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जो कि हबीब ममता साहब दे रहे होंगे। उसके बाद हसान साहब अपने ब्रोकरेज हाउसेज और अपनी सर्विसेज के बारे में हमें बताएंगे। विद एंड दिस सेशन एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रेज हैंड। जब आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा एंड देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। इन द मिडल ऑफ द वेबिनार हमारे पास बेसिकली एक छोटा सा पोल भी होगा, जिसमें मैं आपसे वेबिनार का थोड़ा सा फीडबैक दूंगा। तो लेट्स बिगिन। ओवर टू यू हबीब भाई, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज वेबिनार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टू गिव यू अ लिटिल बिट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम हबीब मानसा है। आई एम लुकिंग आफ्टर बिजनेस डेवलपमेंट एट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। हसन महमूद साहब जो हैं हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं आज एडवेस से। सो द थिंग इज के सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें, एक तो आप सबसे गुजारिश करेंगे कि यू शुड कीप योर माइक्स म्यूटेड। इसके साथ साथ में वील हैव अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन इंशाल्लाह आफ्टर बोथ आवर प्रेजेंटेशंस आर कंक्लूडेड। इनिशियली मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, वील टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट द फ्यूचर्स मार्केट, द कमोडिटीज मार्केट ऑफ पाकिस्तान, और इसके साथ साथ में फिर आगे कैरी फॉरवर्ड जो है हमारे साथ हसन महमूद साहब जो है, हसन साहब कंटिन्यू करेंगे। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अपनी प्रेजेंटेशन आप सबके साथ शेयर कर दूं सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड। प्रेजेंटेशन नजर आ रही है आई होप सबको। एक मिनट, फुल स्क्रीन पे करूंगा उसको। ब्रिलियंट उस्मान, फुल स्क्रीन पर चलें जी। अच्छा, टू गेट स्टार्टेड व्हाट वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू वाज, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं बेसिकली जिस तरह स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, दे कंसिस्ट ऑफ द मनी मार्केट्स, द इक्विटी मार्केट, द कमोडिटी मार्केट, जो कि आपको डायरेक्ट एक्सेस देती हैं ट्रेडिंग का, और आप खुद इसके ऊपर आके अपनी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपके पास इनडायरेक्ट एक्सेस होता है, जिस तरह म्यूचुअल फंड्स हो गई, इंश्योरेंस हो गई, यू टेल देम व्हाट टू डू एंड दे डू इट ऑन योर बिहाफ। खैर, कमोडिटी मार्केट इज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट एंड टूडे विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू द कमोडिटी मार्केट ऑफ पाकिस्तान। उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू एंड टेल यू के जी व्हाट बेसिकली इज अ कमोडिटी। कमोडिटी कुछ भी हो सकती है, जिस तरह स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि वीट है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, करेंसीज हो गई, चावल हो गया, पाम ऑयल हो गए, लाइव स्टॉक हो गए, एनीथिंग, जो भी ऑब्जेक्ट आप ट्रेड कर सकते हो आज, वो होती है कमोडिटी। अच्छा, इसके साथ साथ में अब कमोडिटीज जो होती हैं, कमोडिटीज ट्रेड कहाँ पर होती हैं? कमोडिटी मार्केट्स आर डिफाइंड, कमोडिटी मार्केट्स आर बाइफर्केटेड इनटू टू सेक्शंस। एक आपकी स्पॉट मार्केट होती है, दूसरी आपकी फ्यूचर्स मार्केट होती है। द एसेंस ऑफ अ स्पॉट मार्केट इज वेरी वेरी सिंपल। आज आप जाते हैं, आप जाके कोई चीज खरीदते हैं, तो जैसे ही आपने चीज खरीदी, आपने उसी वक्त हाथ के हाथ पैसे दिए और आपने चीज अपने हाथ अपने साथ में डिलीवरी ली, और आप, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पॉट मार्केट। द स्पॉट मार्केट ट्रांजेक्शन इज एवरी डे ट्रांजेक्शन, जो कि फल फ्रूट खरीदना हो गया या सब्जी खरीदना हो गया, बी इट एट अ स्मॉल स्केल और बी इट एट अ लार्ज स्केल, दैट इज बेसिकली द एसेंस ऑफ अ स्पॉट ट्रांजेक्शन। अच्छा, आप इसी तरीके से फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आ जाते हैं। फ्यूचर्स मार्केट का प्राइमरीली कॉन्सेप्ट ये है कि आप कमोडिटीज ट्रेड कर रहे होते हो एक फ्यूचर प्राइस के ऊपर, और पेमेंट भी आप फ्यूचर्स में ही कर रहे होते हो एट अ डिलीवरी डेट इन द फ्यूचर, और आपकी डिलीवरी के साथ साथ पेमेंट भी फ्यूचर में ही हो रही होती है। तो इसके इसके अंदर
बेसिकली जो ट्रेड होती है फ्यूचर्स मार्केट्स के अंदर वो होती है थ्रू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स. द फीचर्स ऑफ अ फ्यूचर्स मार्केट आर प्राइमरली बेस्ड ऑन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. और एक ये अग्रीमेंट होता है विच इज बिटवीन टू पार्टीज एंटर्ड इनटू ऑन द फ्लोर ऑफ एन एक्सचेंज. आप उसको खरीदते हो और आप बेचते हो एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर फॉर अ सर्टेन प्राइस जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होती है अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की बात की जाए. हाउ दिस इज डन इज अगेन थ्रू अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स. ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि फ्यूचर्स के बेस्ड होते हैं दीज आर वेरी हाईली स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स. इसके अंदर एक एक चीज मौजूद होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि जी क्वालिटी क्या होगी कमोडिटी की क्वांटिटी क्या होगी एडिशनली उसके डिलीवरी डेट क्या होगा डिलीवरी का मैकेनिज्म क्या होगा. डिलीवरी के मैकेनिज्म भी दो किस्म के होते हैं वो आगे चल के आपको एक्सप्लेन करते हैं. अच्छा जो बेसिक काम है एक्सचेंज का वो ये है कि द एक्सचेंज गारंटीज यू परफॉर्मेंस कि जी जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर दैट कॉन्ट्रैक्ट विल उसकी परफॉर्मेंस गारंटी होगी मीनिंग कि उसकी सेटलमेंट होगी. साथ में एक और बहुत बड़ा फीचर जो है जो कि बहुत बड़ी यूएसपी है हमारी वो हर एक्सचेंज के ऊपर होती है मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग. इट इज बेसिकली पेइंग अ फ्रैक्शन ऑफ द एक्चुअल अमाउंट. अगेन जो एक बहुत बड़ा इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है कि जी कमोडिटी मार्केट्स आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट तो हाईली रेगुलेटेड मार्केट होती है. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं दिस बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स. अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन में वापस जाऊं तो यहाँ पे एंड पे आप देखिए डिलीवरी मैकेनिज्म्स आर स्पेसिफाइड. ये डिलीवरी मैकेनिज्म की बात जब आती है तो इसके अंदर दो किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं एक फिजिकल डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं और एक कैश सेटल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं. फिजिकल डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं कि जब ये एक्सपायर होते हैं उस करंट डेट के ऊपर उस डेट के ऊपर जो इसकी एक्सपायरी डेट होगी एट दैट पॉइंट इन टाइम उसके बाद आप कमोडिटी की डिलीवरी लेते हैं. कैश सेटल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ये होते हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं तो इनकी सेटलमेंट कैश के अंदर होती है. अच्छा अब आ जाते हैं कि व्हाट बेसिकली इज अ कमोडिटी एक्सचेंज जो कि हमें पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज. इट इज इन सिंपल टर्म्स एक एक मार्केट प्लेस है कि जहां पे कमोडिटीज ट्रेड होती है. इट इज अ हाईली रेगुलेटेड इदारा होता है. उसके साथ साथ में कमोडिटीज अगेन आर ट्रेडेड थ्रू स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स विद डिफरेंट मेच्योरिटीज एंड दीज आर कॉल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स. अब आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि एज टू व्हाट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इज. पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इज पाकिस्तान्स फर्स्ट एंड ओनली कमोडिटीज फ्यूचर्स एक्सचेंज इन पाकिस्तान. वी आर अ 22.5 आवर्स की मार्केट. हमारी 22.5 घंटे की मार्केट है जो कि आपको इंटरनेशनल कमोडिटीज में ट्रेड करने की इजाजत भी देती है और कुछ लोकल कमोडिटीज के अंदर भी देती है. हमारे पास मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग होती है. इसके साथ साथ में दिस इज अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट. यू कैन एक्सेस आवर प्लेटफॉर्म थ्रू द इंटरनेट. ट्रेडिंग हॉलीडेज से मुराद यहाँ पे ये है कि जी जो हमारे लोकल हॉलीडेज होते हैं इसके अंदर भी हमारे पास ट्रेडिंग अवेलेबल होती है. रेगुलेटेड एनवायरनमेंट और अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है. मसलन के जिस तरीके से आजकल आप लोग देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर फेसबुक के ऊपर बेतहाशा आपके पास मार्केटिंग हो रही होती है. बाइनेंस हो गया ऑक्टाफेक्स हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिस अलग अलग किस्म के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आपके सामने हैं. ये सारे अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट. पीएमईएक्स ऑन द अदर हैंड इज अ रेगुलेटेड एनवायरनमेंट. अनरेगुलेटेड से मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर इन मार्केट्स के अंदर आप ट्रेड करने के लिए आज जाते हैं तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन इशू रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस तो आप किसी इदारे को जाके कंप्लेन नहीं कर सकते इनके बारे में बिकॉज इनको ये रेगुलेटेड ही नहीं होते किसी के अंडर फॉल नहीं कर रहे होते. वेयर एज पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इज रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. हम इटसेल्फ एक रेगुलेटरी बॉडी भी है बीइंग द एक्सचेंज. हम रेगुलेट करते हैं अपने ब्रोकर्स को और अपने मेंबर्स को जो कि अगेन रजिस्टर्ड है विद एसईसीपी. जिस तरीके से आज हमें हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम एनरिचेस. एनरिचेस इज वन ऑफ आवर ब्रोकर्स. तो हसन साहब एंड हिज टीम एट एनरिचेस प्राइवेट लिमिटेड इज रेगुलेटेड बाय द एक्सचेंज. फर्दर ये आगे रेगुलेट करते हैं और अपने क्लाइंट्स को जो कि कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं इनको ये रेगुलेट कर रहे होते हैं. एक्सचेंज के ऊपर जो कमोडिटीज आज अवेलेबल हैं बेसिकली फोर एसेट क्लासेस हैं. इसके अंदर गोल्ड आ जाता है सिल्वर आ जाता है कॉपर आ जाता है फिर एनर्जी के अंदर आपके पास ऑयल्स नेचुरल गैसेस आ जाती हैं. एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के अंदर कॉटन है कॉर्न है वीट है सोयाबीन है. अगेन फाइनेंशियल्स के अंदर नैसडेक एसपी करेंसीज दीज आर ऑल इंटरनेशनली ट्रेडेड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स. एट दिस पॉइंट इन टाइम एक मेटल्स के अंदर जो हम लोकल कमोडिटी ट्रेड करते हैं दैट इज गोल्ड. गोल्ड हमारे पास फिजिकल डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी अवेलेबल होता है.
फर्दर डिटेल्स आप हसन साहब आपको ज्यादा बेहतर इसके ऊपर और ज्यादा अच्छे से ब्रीफ भी करेंगे कि हाउ यू कैन एक्चुअली कम ऑन टू द एक्सचेंज एंड बाय फिजिकल गोल्ड इन पाकिस्तान फ्रॉम अस. ट्रेडिंग इज फेयरली इजी. वी हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई इट एंड नैरो इट डाउन टू एज इजी एज पॉसिबल का कॉन्सेप्ट है कि आप ब्रोकर सेलेक्ट करें जिस तरह के इनरिचेस है. इसी तरीके से दे विल गाइड यू मोर ऑन अकाउंट ओपनिंग. अकाउंट ओपनिंग इज फेयरली सिंपल. इट्स ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है. कन्वेंशनल मेथड्स भी होते हैं. एक्सचेंज के पास आपका अकाउंट डायरेक्टली खुलता है. द एक्सचेंज इज द वन हु सेंड्स यू ऑल द क्रेडेंशियल्स. आप अपने पैसे भी जो पार्क करेंगे फंड्स डिपॉजिट के अंदर दैट विल बी एट द एक्सचेंज. इट्स एज ईजी एज दैट. और उसके बाद आप अपनी जो है ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. तो खैर दिस वॉज माई पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन. Now I would request Hassan Saab to start his presentation to give you a more detailed idea as to what Enriches Private Limited has to offer. Thank you very much, Habib Saab. Assalamu alaikum, everybody. I hope I am audible and I am audible. Good time. Yes, sir. We can hear you. Enjoy. अच्छा जी, स्टार्टिंग विद एनरिचेस इन्वेस्टमेंट ग्रुप. एनरिचेस इन्वेस्टमेंट ग्रुप या एनरिचेस प्राइवेट लिमिटेड जो है, इट्स वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकरेज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह. एंड हमारी इंसेप्शन हुई थी जी नवंबर 2011 में, और फरवरी 2013 से लेकर अब तक वी आर अमंग द टॉप ब्रोकर्स ऑफ पाकिस्तान मर्कटाइल एक्सचेंज. जैसा कि हबीब साहब ने प्रोडक्ट रेंज जो पाकिस्तान मर्कटाइल एक्सचेंज ऑफर कर रहा है उसके हवाले से हमें बड़े अच्छे से गाइड किया कि वो प्रोडक्ट रेंज जो है वो है हमारे कमोडिटीज, जिसमें कुछ जो है प्रेशियस मेटल का सेगमेंट आता है, देन इज द एनर्जी सेक्टर, करेंसीज और अमेरिकन स्टॉक्स. अच्छा, ये वो बेसिक वर्ल्ड रेनाउंड कमोडिटीज या वर्ल्ड रेनाउंड करेंसीज, वर्ल्ड रेनाउंड अमेरिकन स्टॉक्स इंडेक्स हैं, जिसमें ग्लोबली जिसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बड़े एक ऐसे लेवल पर है जहां पर पीएमएक्स जैसा क्रेडिबल इदारा जिसका मेजर शेयर होल्डर जो नेशनल बैंक हो. आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा फुल स्क्रीन मोड में लें प्लीज. वो इट्स नॉट इन फुल स्क्रीन मोड जो प्रेजेंटेशन है हमारा. जहां बिल्कुल ठीक है जी. मैं अभी आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी गुड विद द टेक्नोलॉजी एंड आई बिलीव नाउ इट्स ऑन फुल स्क्रीन. हां जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच. ना ना, माय प्लेयर जी, माय प्लेयर. ऑडियंस इज मोर इम्पोर्टेंट. अच्छा जी, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान मर्कटाइल एक्सचेंज जैसे क्रेडिबल इदारे के होते हुए जिसके अंदर नेशनल बैंक खुद मेजर शेयर होल्डर है या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, तमाम मेजर इंस्टीट्यूशंस इसके मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी मौजूदगी में हमें जो प्रोडक्ट रेंज हमने डिस्कस की, एनर्जी सेक्टर, प्रेशियस मेटल्स, करेंसीज और अमेरिकन स्टॉक इंडेक्स को, हमें इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने का मौका मिलता है विद द रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या SECP और स्टेट बैंक ये तमाम तर. अब ये वो एक थोड़ा सॉर्ट ऑफ फ्लो चार्ट है जो मैंने आपके लिए बनाया कि आप अपने रेगुलेटेड ब्रोकर इन्वेस्टर्स के साथ जो है के थ्रू एक्सेस करते हैं पाकिस्तान मर्कटाइल एक्सचेंज को, और पाकिस्तान मर्कटाइल एक्सचेंज आपको ग्लोबल एक्सपोजर देता है इस प्रोडक्ट रेंज के अंदर. अभी यहाँ पर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये है कि ये बिजनेस जो है ये आज से कोई 10-15 साल पहले, या बहुत प्रिसाइजली बात करें तो शायद कोई 5-7 साल पहले ना, ये एक लग्जरी बिजनेस हुआ करता था. आज ये बिजनेस जो है ये नेसेसिटी बिजनेस है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जिस एनवायरनमेंट में हम सब देख रहे हैं, और कल में खैर इलेक्शन भी है, आई एम वेरी सर्टेन के पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बेहतर हो, जो हम सब एज पाकिस्तानी दुआगो भी हैं. अच्छा, अब होता ये है जी कि ये बिजनेस को आप कंपेयर करेंगे किसी भी और बिजनेस के साथ जो आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं या जिसका आप बेसिक आइडिया ले रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि करंटली सिचुएशन ये है कि रियल एस्टेट हो या कोई भी और सेगमेंट रिटेल बिजनेस हो, तो तमाम तर बिजनेसेस जो हैं वो या तो स्लो डाउन हो चुके हैं टू द एक्सटेंट के वो तकरीबन स्टैगनेंसी का शिकार है, या एटलीस्ट इकोनॉमी की हेड की वजह से मार्केट्स खासी डिप्रेशन में. Whereas, दूसरा बड़ा चैलेंज जो है दैट इज ऑफ दी व्हाट डू यू से इन्फ्लेशन. अब हो ये रहा है कि लेट से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और बिजनेस मेरा लेट से मुझे महीने का 1 करोड़ रुपया भी कमा के दे रहा है, या साल का 1 करोड़ रुपया मैं रेवेन्यू गेन कर रहा हूँ, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर होगा क्या कि वो मेरा 1 करोड़ रुपया जो बड़ा हार्ड एंड मैंने बड़ी मेहनत के साथ उसको अर्न किया है, वो अनफॉर्चुनेटली डिप्रिसिएशन का शिकार हो जाएगा. और डिप्रिसिएशन भी वो है जिसकी परसेंटेज जो है ना वो शायद अब गुनों में जा चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट अब इसको अभी भी जो है वो 42% के करीब सम अप करती है.
सो दैट मीन्स कि एक साल की मेरी सेविंग अगर लेट से 1 करोड़ रुपए है तो एक साल बाद एग्जैक्टली उसकी वैल्यू रह जाएगी हार्डली 62 लाख रुपीज, हार्डली। अब इस सिचुएशन के अंदर मुझे करना क्या है कि अपने पैसे को किसी ना किसी ऐसी जगह पर लेकर जाना है जहां पर मुझे 3 बेसिक चीजें चाहिए जो मेरे पास मौजूद हो तो मैं बड़ी आसानी से कुछ ना कुछ कर लूंगा। सबसे पहली चीज क्या, अपॉर्चुनिटी मौजूद हो। अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि वहां पर मेरे पास काम करने का रूम मौजूद हो, यानी मैं कुछ कमाई कर सकता हूँ उसमें। अच्छा, फिर उसके उस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उस मार्केट का लिक्विड होना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जैसे भी हम सब ने रियल एस्टेट जो है उसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, उसके अंदर किसी ना किसी कैपेसिटी में हमने काम भी किया होगा। अब रियल एस्टेट जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के तमामतर इन्वेस्टर्स की प्राइमरी मोहब्बत रही है पिछले 20-25 साल में, जो मैंने इसको विटनेस किया, बल्कि आप सब ने भी इसको विटनेस किया है। अब सूरत हाल ये है कि वहां पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस में अप्रिसिएशन नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी की प्राइसेस में अप्रिसिएशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अप्रिसिएशन को मैं जब इनकैश करने के लिए मार्केट में जाता हूं तो वहां पर लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी क्या है कि मैं बेचना चाहता हूं लेकिन मेरी कीमत पर कोई खरीदार मौजूद नहीं है। हमारी मार्केट के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता। जिस प्रोडक्ट रेंज को हबीब साहब ने या मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, हम आपको उन प्रोडक्ट्स के अंदर, ये जो 22.5 घंटे का मामसा साहब ने टाइम आपके साथ शेयर किया है, उसमें 24 आवर्स में से 22.5 घंटे हम आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप जब चाहें सौदा खरीद सकते हैं, जब चाहें सौदा बेच सकते हैं। अब एक तो ये है कि मैंने आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी कि सौदा खरीद लें, सौदा बेच लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये करूंगा, ये मेरा प्लेटफॉर्म ये करेगा, विल डू दैट फॉर यू इन अ ट्रांसपेरेंट वे, जहां पर आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तमाम तर चीजों की सर्विसेज दी जा रही होंगी। ये चाहे प्राइस एक्शन हो, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल की प्राइस कोई शख्स अभी जो है वो हमारे साथ ट्रेड करते हुए जो क्रूड ऑयल की प्राइस उनको मिल रही होगी, वो दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए किसी भी शख्स को सेम स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट सेम प्राइस के अंदर कोट हो रही होगी। सो देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, आपको जो रेट सूट करता है, जहां पर आपको समझ आता है कि आप खरीदार होना चाहते हैं या आप फरोख करने वालों में होना चाहते हैं, तो आप बड़े अच्छे से उसकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं इन अ ट्रांसपेरेंट वे। और फिर हमारी जो अपनी प्रोडक्ट रेंज है वो इतनी को डाइवर्सिफाइड है, जैसे अब जो हमने प्रोडक्ट रेंज में प्रेशियस मेटल्स की बात की, जिसमें सबसे पहली चीज जो थी वो था इंस्ट्रूमेंट था, वो गोल्ड था। अब गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका जनरली इनवर्स रिलेशनशिप है तमाम तर जितने भी आपकी करेंसीज हैं, जितनी भी इकोनॉमीज हैं। ये ऐसे ही है जैसे पैसे की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही हो तो हम सब लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे को सब लोगों के घरों में, इवन ये माए तक भी एडवाइस करती हैं कि आपको मुझे गोल्ड की परचेज कर लेनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो डिप्रिशिएट हो जाएगा लेकिन गोल्ड की कीमत नीचे नहीं आएगी। ये ऐसे ही है जैसे 2 साल बाद दो तरह के लोग कामयाब थे 2 साल पहले, आई एम सॉरी, वो लोग जिन्होंने या तो डॉलर परचेज कर लिया या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू गोल्ड की परचेज कर ली। अब रुपी तो डिप्रिशिएट हो गया लेकिन जिनके पास गोल्ड था तो 2 साल के अंदर गोल्ड की कीमत तकरीबन डबल हुई है। सो दे सेव देयर मनी फ्रॉम डिप्रिसिएशन। फिर हमारे पास कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी जो है, जो कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जिसे आप कह सकते हैं, उसके अंदर यूज होने वाला रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल भी ट्रेड के लिए मौजूद है। जैसे ही आप देखते हैं कि मैंने गोल्ड से पैसा बना लिया, सेविंग कर ली थी, पैसा डिप्रिसिएशन से भी बच गया, सर्टन प्रॉफिट के गोल्स भी अचीव हो गए, तो आप देखते हैं कि अभी यार हालात इकोनॉमी के बेहतर हो रहे हैं, तो व्हाट यू डू इज यू स्विच योर फंड टू द लिक्विड प्रोडक्ट लाइक क्रूड ऑयल, जो कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन की बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे, जिसकी प्राइसेस अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होती हैं। सो ये डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज है जो शायद इस वक्त की अगेन नीड बन चुकी है कि हमें अपने प्राइमरी बिजनेस से किसी ऐसी प्रोडक्ट में जहां ट्रांसपेरेंसी हो, जहां लिक्विडिटी हो और डाइवर्सिटी हो, मुझे वहां पर अपने इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो प्रोवाइड पार्क करनी चाहिए। अब हम आगे आ जाते हैं जी कि इतनी लिक्विड, इतनी ट्रांसपेरेंट और डाइवर्सिफाइड मार्केट जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ SECP हमें प्रोवाइड कर रहा है, उधर आपको जब काम करेंगे तो तमाम क्रेडेंशियल्स तो उस इदारे की तरफ से मिल गए। इनरिचर्स आपके लिए क्या वैल्यू एडिशन करेगा? इनरिचर्स आपको इन तमाम तक प्रोडक्ट्स को एक्चुअली समझने में हेल्प करेगा। जरूरी ये नहीं है कि आप क्या खरीद रहे हैं, जरूरी ये नहीं है कब खरीद रहे हैं, जरूरी ये भी नहीं है कि आप कितना खरीद रहे हैं।
इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी यह है कि आप क्यों खरीद या बेच रहे हैं, और वो क्यों खरीद या बेच रहे हैं का जवाब हासिल करने के लिए आपको इनरिचर्स जैसे क्रेडिबल ब्रोकर की जरूरत होती है, जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है मार्केट की वो समझा सकें, जो आपको प्राइस सेक्शन को समझने में हेल्प कर सकें कि क्यों कर किसी चीज की कीमत ऊपर या नीचे जाएगी, जो आपको मार्केट में आपने अक्सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखी होंगी प्राइसेस की, किसी इकोनॉमी की, मल्टीपल चीजों की, अब तो हर चीज की ऑलमोस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, तो उन तमाम ग्राफ्स को कैसे रीड आउट किया जाता है उसको आप समझ सकेंगे। अच्छा, फिर इसके अलावा अगली जो इम्पोर्टेंट चीज इनरिचर्स ऐड करेगा कि जियोपॉलिटिकल सेंस, हमने बात की कि अब हम पाकिस्तान के हालात के नून लीग या फलां या जो भी गवर्नमेंट में आ रहे हैं, गवर्नमेंट से जा रहा है, वो उन सारे सिचुएशन से हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं आता, इन पे इसी तरह के फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं वो कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेता है, उसका क्या इम्पैक्ट है, या इन चीजों को खैर अभी हम आगे चल के बेहतर तौर पर डिस्कस भी करते हैं। इस तरह की तमाम वो इकोनॉमिक चीजें जो इकोनॉमी को रीड करने के लिए इंडिकेटर का काम करती हैं, वो तमाम तक भी समझने में आपको हेल्प करेंगे, एंड वी विल श्योर कि यू गेट अप टू अ पोजिशन वेयर यू नो लॉन्गर आर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन टू रन योर ओन बिजनेस ऑन योर ओन टर्म्स। और इसके अंदर जैसे मैंने पहले शेयर किया कि ये इन्वेस्टर्स का अलहमदुल्ला खासा है कि हम आपको इस सब को सीखने के लिए जो है हैबिटेट भी प्रोवाइड करेंगे, और उस हैबिटेट में इंशाल्लाह विल एश्योर यू कि आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को सीखते हुए अपने इस लर्निंग कर्व से निकल के अपने बिजनेस को अपनी शर्त पे कर सकें, बिकॉज इवेंचुअली इट्स गोइंग टू बी योर बिजनेस इन योर कंट्रोल एंड एज पर योर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन द वे यू वॉन्ट। अच्छा, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी हमारी जो चमकती हुई प्रोडक्ट है गोल्ड, उसके हवाले से। आई होप आई एम ऑडिबल हबीब साहब, हम सब एक दूसरे को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल दैट्स राइट right. बिल्कुल सर, वी कैन हियर यू ठीक, आसान साहब। बिल्कुल ठीक जी। मूविंग फॉरवर्ड जी, गोल्ड जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका इनवर्स रिलेशनशिप है जनरली तमाम जो है करेंसीज या इकोनॉमीज की परफॉर्मेंस के साथ। तो इसका दुनिया में इस टाइम सबसे बड़ी करेंसी जो है वो अमेरिकन डॉलर कंसिडर किया जाता है, तो अमेरिकन इकोनॉमी का बहुत गहरा ताल्लुक होता है किसी भी तरह की प्रोडक्ट में, और स्पेशली गोल्ड के ऊपर। अब तो हम अगर जनरली देखें ना तो कोई सब्जी फरोश भी जो है ना वो भी अपनी कीमत को ऊपर ले जाते हुए बताता है कि जी, पूछा जाए उससे तो वो कहता है कि जी गोल्ड की कीमत, उसकी डॉलर की कीमत ऊपर आ गई। तो गोल्ड एक ऐसी प्रोडक्ट है जो उसके अगेंस्ट हेज के तौर पे यूज होती है। फिर उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे वाकयात होते हैं, जिसमें रीसेंट टाइम्स के अंदर जो बड़ी हिस्ट्री मौजूद है वो कोविड टाइम्स की है, जब ग्लोबल पैंडेमिक आया, ग्लोबल मार्केट्स जो है वो शट डाउन हो गई, चाहे वो एयरबॉर्न इंडस्ट्री हो, रियल एस्टेट हो, कोई भी चीज हो, फैक्ट्रीज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस क्लास हो, तमाम तक इदारे जो थे वो स्लगिश थे। अब क्या हुआ कि पैसे के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हुआ, पीपल स्टार्ट सेलिंग देयर एसेट क्लासेस एंड दे ट्राइड टू कन्वर्ट देयर एसेट्स टू गोल्ड, और गोल्ड ने उस सब में आउट परफॉर्म किया। उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे गोल्ड की प्राइसेस जो है वो समवेयर अराउंड 1400 to 1500 डॉलर्स पर आउंस पर ट्रेड हो रही थी, और रिजल्टेंटली क्या हुआ कि कोविड के अंदर मार्केट ने जो हाई प्लेस किया था वाज ऑफ 2078 डॉलर्स पर आउंस। सो दिस वाज एन अप्रिसिएशन ऑफ अराउंड 600 डॉलर्स इन वन प्रोडक्ट इन द होल कोविड टाइम। अब ये जो 600 डॉलर्स है अगेंस्ट 1 आउंस, ये अगेन इसका इम्पैक्ट हमने लोकल मार्केट में भी देखा कि मार्केट जो है वो कोई 65,000 70,000 से बढ़ती बढ़ती कोविड टाइम्स में 1,00,000 1,35,000 तक तोला गई। इसी तरीके से करेंसीज को भी स्टडी करना हम आपको एजुकेट करते हैं। फिर उसके बाद हम आपको आगे चल के जो प्रोडक्ट है वो क्रूड ऑयल, उसके हवाले से भी मैं बताता चलूं कि अभी क्रूड ऑयल एक ऐसी प्रोडक्ट है जो डेली बेसिस पे कुछ तकरीबन 1 से 2 डॉलर ऑन एन एवरेज मूव करती है। अब मैं कुछ बिजनेस करूं, या लेट से मैं रियल एस्टेट खरीदता हूं, या कोई भी और प्रोडक्ट खरीदता हूं, तो मेरे लिए लेट से वो कीमत मैंने पे की उसकी 1 मिलियन रुपीज। अब मुझे ये देखना है कि मुझे वो चीज स्टेबिलिटी के साथ अगला 1 साल 1 मिलियन की रहे, ये मेरे किसी फायदे का ना है। मुझे तो ये चाहिए कि जो मैंने चीज 10 लाख में खरीदी है वो अगले 1 2 3 4 5 6 दिन के अंदर कोई 10 लाख से उसकी प्राइस 11 लाख 12 लाख पे जाए, तो मैं उसको बेचा करूं, कभी दोबारा जो है वो प्राइसेस नीचे आए 9 लाख पे 8 लाख पे, तो मैं दोबारा खरीदूं। यानी
ऑसिलेशन का होना, बिकॉज प्राइसेस की स्टेबिलिटी विल नॉट अश्योर माई फ्यूचर, बिकॉज मुझे इवेंचुअली अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है या कुछ उससे सर्टन रिटर्न गेन करना है. तो उसके लिए पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए वी ऑफर यू अ प्रोडक्ट लाइक क्रूड ऑयल, जिसके अंदर आप बड़ा ही कन्वीनियंटली ऑन एन एवरेज 2 से 4-5% की फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस देख सकते हैं. और इस की प्राइस फ्लक्चुएशन को थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, सिंस आई एम नॉट मच कन्वीनियंट विद द टेक्नोलॉजी थिंग्स, दे ऑल आर यंग बॉयज एंड दे यू ऑल नो अबाउट टेक्नोलॉजी, तो मैं बहुत ज्यादा उसको नहीं कर पाऊंगा. अदरवाइज मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि इसकी जो डेली ऑसिलेशन है, यानी प्राइसेस का उतार चढ़ाव, वो अगेन डिपेंड करेगा किन चीजों पे, ओपैक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के अनाउंसमेंट्स पे. वो डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर ऑयल की डिमांड कितनी है. अब फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की किसी जगह पर इंडस्ट्री बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो इंडस्ट्री का पहला रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड ऑयल कंसिडर होता है, जिससे इसकी बाय प्रोडक्ट्स और आगे सब तमाम तरह चीजें निकलती हैं. अब अगर उसकी डिमांड बढ़ गई है तो जिस भी चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है उसकी प्राइसेस जो है वो ऊपर जाना एक्सपेक्टेड होता है. और फॉर एग्जाम्पल ओपेक अनाउंस करता है कि उनके पास वो इवेल्यूएट कर रहे हैं कि मार्केट में अभी क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा ना है और वो प्रोडक्शन को अपने कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो इन तमाम तर डिसीजन से भी एक खासा बड़ा कंसिडरेबल इम्पैक्ट आता है. और इसी के साथ साथ अगेन जो जियोपॉलिटिकल न्यूज होती हैं, जैसे प्रोडक्शन जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं या जो ऑयल कंज्यूमर्स हैं उनके एंड से आने वाली न्यूज भी बड़ा इम्पैक्ट रखती है, जिसकी एक रिसेंट एग्जाम्पल आपको पाकिस्तान में भी याद होगा कि 2-3-4 साल पहले जो है खासी हमारे यहाँ ऑयल की यानी पेट्रोल की कमी हो गई थी. उस कमी की वजह से क्या हुआ, उस कमी की वजह से ये हुआ कि हर पेट्रोल पंप वाले का अपना रेट था और हर कोई हम जैसा कंज्यूमर था वो उसको डलवाने पे मजबूर था. अब ये क्यों हो रहा था, ये इसलिए हो रहा था बिकॉज डिमांड वहीं पर मौजूद है, लोगों ने कंजम्पशन नहीं छोड़ी है, लेकिन सप्लाई इंटरप्ट हो गई. तो इस तरह की तमाम तर वो चीजें हैं जिनको कैसे रीड किया जाता है, कहाँ से इस इंफॉर्मेशन को सोर्स करेंगे, कैसे आप इस मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकेंगे. दिस वी विल हेल्प यू एंड दिस विल हेल्प यू मेक मनी इन द मार्केट. अब हम आ जाते हैं इसी क्रूड ऑयल की मिसाल को आगे लेके चलते हैं. क्रूड ऑयल की जी एक जो स्टैंडर्ड लॉट होती है या मदर लॉट जो होती है जो ग्लोबली ट्रेड की जाती है वो 1,000 बैरल्स की होती है, 1,000 बैरल्स, एंड 1 बैरल इज इक्वलेंट टू 42 गैलन्स. और अगर हम इसको लोकल उसके अंदर ट्रांसलेट करना चाहें तो इट इज इक्वलेंट टू 160 लीटर्स ऑलमोस्ट. तो एक बैरल जो है, एक लॉट जो है उसके अंदर 1,000 बैरल है क्रूड ऑयल का. अब एक्सचेंज ये कहती है कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना कि मैं सिर्फ एक सर्टन क्लास के लोगों को कैटर करूं. फॉर दैट व्हाट दे डिड, दे ऑफर्ड द ब्रेकडाउन ऑफ दोज स्टैंडर्ड लॉट्स. तो आप क्रूड 1,000 बैरल्स यानी उसकी जो स्टैंडर्ड लॉट है वो भी, क्रूड 100 भी और क्रूड 10 भी इवन परचेज कर सकते हैं. कि अगर कोई शख्स स्टार्टअप में चाहे कि मैं बहुत छोटा सा स्टार्ट लेके मार्केट को टेस्ट करना चाहता हूं, तो फॉर हिम 100 बैरल्स और इवन 10 बैरल की एक लॉट भी जो है वो मौजूद है. अब हम थोड़ा सा इसको ऐसे देख लेते हैं, अगर आप लोग इसकी करंट जो प्राइस है उसको आप मेरे साथ नोट डाउन कर सकें तो दिस विल हेल्प यू एक्चुअली रियलाइज कि ये कितना पोटेंशियल रखता है. करंट क्रूड ऑयल की जो प्राइस है जी, वो इस टाइम ट्रेड हो रहा है $74.05 पे. अब आज के दिन के अंदर ऑयल ऑलमोस्ट $1 अप्रिशिएट किया, $73 से प्राइसेस अप्रिशिएट होके आती हैं $74 तक. अब $73 पे लेट से किसी ने एक लॉट परचेस कर ली तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 बैरल्स परचेस कर लिए गए. अब 1,000 बैरल्स के साथ अभी करंट प्राइस चल रही है $74. मैंने 1,000 बैरल्स को $1 नफे तक होल्ड रखा तो हुआ क्या कि मैंने $1 का प्रॉफिट मटेरियलाइज किया. $1 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 बैरल्स तो मेरा ये पोटेंशियल रिटर्न या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी मार्केट अभी तक $1,000 की दे चुकी है, जो कि करंटली ऑलमोस्ट बनते हैं 2,80,000 के करीब. अब देख, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आई होप कि अभी तक हमें यहाँ तक बात समझ आ रही है और आप सब लोग मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं. जी जी सांस साहब, इट्स क्वाइट इंसाइटफुल माशाल्लाह सर. यू मे प्रोसीड. आई होप इट एड्स वैल्यू टू एवरीबॉडी. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा जी, अब मैं अर्ज करता हूँ कि ये जो 1,000 बैरल की हमने ट्रेड की, इसमें एक्सचेंज ने हमें एक तो इस अपॉर्चुनिटी से मिलवा दिया,
फिर रेगुलेटेड एनवायरनमेंट दे दिया जहां मेरा कैपिटल भी बड़ी सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ किसी शख्स के पास ना जाने दिया, और बल्कि मेरी ही पॉकेट में उसको पार्क रखा। ये कैसे रखा ये भी मैं अभी आगे चल के आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर हुआ ये जी कि मैंने अभी तक तकरीबन कोई 2,80,000 रुपए का, यानी 2,80,000 रुपीज का प्रॉफिट अभी तक आज के दिन के अंदर मुझे मार्केट से मिल पाया है ऑयल की प्रोडक्ट को लेते हुए। अच्छा, अब इसके लिए जो मुझे एक्सचेंज ने अगली फैसिलिटी दी वो ये दी कि जो इसकी टोटल वैल्यू बनती है, जो कि तकरीबन 73,000 डॉलर्स बनती है, एक्सचेंज ने मुझे अलाउ किया कि मैं वो 73,000 डॉलर्स पूरे ना पे करूं, मैं सिर्फ उसका अर्नेस्ट मनी, इनिशियल मार्जिन या बयाना जिसे हम हमारे पे आम में कहते हैं, उसको पे करते हुए मैं इस एक स्टैंडर्ड लॉट 1,000 बैरल की को ट्रेड कर सकता हूं। और वो जो इसकी मालियत बनती है वो बनती है 9,66,700 रुपए, यानी 9,66,400 रुपीज के अंदर एक्सचेंज इनिशियल मार्जिन की बेसिस पे मुझे यही एक स्टैंडर्ड लॉट जो है उसको ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी देती है, जिसके अगेंस्ट मैं अभी तक सुबह से लेके तकरीबन 2,80,000 रुपए तक का नफा इंश्योर कर सकता हूं या कर चुका हूं। तो ये है वो कॉन्सेप्ट जिसमें एक्सचेंज ने हमें मार्जिनल ट्रेडिंग ऑफर करते हुए एक ऐसा मजीद एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी दे दी जहां मैं अपने बिजनेस से कहीं ज्यादा बेहतर रिटर्न गेन कर सकता हूं। बिकॉज अगर आप अवेल्यूएट करें तो हमने तकरीबन 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपीज, यानी 2,80,000 रुपए राउंड ऑफ करके चले 300,000 कर देते हैं इसको। सो कैपिटल इन्वेस्टेड के अगेंस्ट ये अपॉर्चुनिटी शायद 30% की है एक दिन के अंदर। एंड नॉट टू फॉरगेट कि अभी दिन जो है वो गुजर रहा है, ओवर नहीं है। आई होप अभी तक हम चीजों को समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब ये तमाम काम करने के लिए एक्सचेंज ने हमें जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज द फेरारी ऑफ दिस इंडस्ट्री। इट्स अ वर्ल्ड क्लास ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ग्लोबली सॉफ्टवेयर से ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर अभी तक ना है, और इस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है MetaTrader 5। इस MetaTrader 5 की एप्लीकेशन में आई ट्राई कि अगर मैं इफ आई कैन स्विच ऑन टू द स्क्रीन्स, हबीब साहब मुझे आप प्लीज फरमाइएगा कि क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है अभी? जी, ये बिल्कुल और विजिबल है, बस इससे बिल्कुल नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। और अभी आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा ये है? एडवांस MT5? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है इसी स्लाइड। अच्छा, एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है। मैं 1 मिनट इसको स्विच करता हूँ जी आपको, ताकि मजीद बेहतर मैं प्राइस एक्शन भी दिखा सकूं। जी आप वो आ रही है आपकी ट्रेडिंग की एम टी वो आ फाइव रही है। जी ट्रेडिंग MT5 ट्रेडिंग की स्क्रीन आ रही है। अच्छा जी, ये वो प्लेटफॉर्म है जी MetaTrader 5, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। और MetaTrader 5 अगर आप देखें तो ये एक बड़ा फ्रेंडली सा सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आपको मेरे स्क्रीन की लेफ्ट साइड के ऊपर आपको प्राइसेस नजर आ रही हैं। ये क्रूड ऑयल की प्राइस है भी। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए कोशिश करता हूँ कि यहाँ से आपको मैं हाईलाइट करके दिखा सकूं। क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो करंट प्राइस है $74.02, और आज के दिन की मार्केट की जो लोएस्ट प्राइस रही है दैट वॉज $72.89, whereas the highest price is $74.18 a barrel। ठीक है जी, अब ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसकी अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक दिन के अंदर मुझे ट्रेड करते वाले शख्स को, जिसने अपने आप को स्मार्ट चॉइस करते हुए अपने पैसों का कुछ चंक जो है वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हुए यहां पर पोटेंशियल रिटर्न को टारगेट किया। तो ये पोटेंशियल रिटर्न की जहां बात आती है, तो दिस इज द पोटेंशियल वी वर टॉकिंग अबाउट। बाय द वे, लकीली ये ट्रेड जो है वो ऑलमोस्ट हमारे सामने चल भी रही है, जहां पर प्रोडक्ट जो है वो अमेरिकन स्टॉक्स में से एक इंडेक्स जिसे नैस्डैक कहा जाता है, विच इज बेसिकली अ कॉम्पोजिट ऑफ 100 टॉप टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज ऑफ अमेरिका, तो उसमें एक ट्रेड चल भी रही है। अब अगर आप यहां पर देखें तो अराउंड मार्जिन जो एंगेज है इस ट्रेड के लिए दैट इज 2.9 मिलियन। अब 2.9 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो अभी तक क्लाइंट रिटर्न गेन कर रहा है दैट इज 125,000 रुपीज तकरीबन। और नैस्डैक की प्राइस भी मैं आपके लिए सामने ले आता हूँ, सो दैट उसकी फ्लक्चुएशन को और फिर हम मार्केट की कंपैरिजन को भी देख सकें। सॉरी। अच्छा, तो ये आपको
हबीब साहब इसके ऊपर मेरा माउस मूव करता हुआ नजर आ रहा है जी? जी जी बिल्कुल अच्छा, अब ये देखिएगा जी कि ये करंट प्राइस जो है इस ट्रेड के अंदर, ये ट्रेड ली गई 17,662 डॉलर्स पर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर, और करंटली मार्केट सिर्फ चंद पॉइंट यानी कि 24-25 पॉइंट्स जो है वो ऊपर आई है। करंट प्राइस आ रही है 17,685, और इस वक्त क्लाइंट का जो फ्लोटिंग प्रॉफिट है, बाय द वे दिस इज अ डेमो अकाउंट, वेर एज इसी तरह का एनवायरमेंट आपको रियल अकाउंट में भी मिलता है। सो आपको ये सिर्फ 25-30 पॉइंट की मूवमेंट के अगेंस्ट यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1,25,000, 1,18,000 रुपीज इन हार्डली हाफ डेज टाइम। सो ये वो पोटेंशियल है जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जैसे रेगुलेटेड क्लाइंट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म के जरिए से हम अपने तमाम तर इन्वेस्टर्स को इसके साथ कनेक्ट करते हैं, एम्पावर करते हैं, एजुकेट करते हैं, और रिजल्टेंटली वी ट्राई कि जहां पर हमारे जो क्लाइंट हैं वो इससे कुछ बेहतर रिटर्न्स गेन कर सकें। फिर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए मैं आपके साथ शेयर करूं, ये इस प्लेटफॉर्म की अगेन एक और खूबसूरती है कि दिस इज दी हिस्ट्री टैब ऑफ दिस अकाउंट। दिस अकाउंट वॉज ओपन विद 5 मिलियन रुपीज, जिसके अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन आपको ये नजर आ रही है, किस प्राइस के ऊपर कोई चीज खरीदी गई, किस टाइम पर खरीदी गई, किस टाइम पर उसको बेचा गया, किस रेट पर बेचा गया, उसके अगेंस्ट कितना नफा या नुकसान आपको बेयर करना पड़ा, वो आपको रन टाइम इस अकाउंट के अंदर नजर आ रहा है। और ये अकाउंट कोई बहुत पुराना अकाउंट नहीं है, इट हैज हार्डली अ लाइफ ऑफ नॉट मोर देन आई बिलीव 2 वीक्स, बिकॉज इसकी जो स्टार्टअप डेट आ रही है दैट इज 23rd of January 2024, और आज हम 7th of February में मौजूद हैं, और इट्स लेस देन 14 डेज आई बिलीव, और उसके अंदर अंदर जो है वो 1.6 मिलियन अगेंस्ट द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ 5 मिलियन रिटर्न पोटेंशियल हिस्ट्री के मुताबिक मौजूद है। दो केस के अंदर जो है ना वो बहुत सारे अप एंड डाउन वाले फेजेस रहे, कुछ एक आधी ट्रेड नेगेटिव भी गई। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ किस वक्त ट्रेड की गई, कितनी ट्रेड किया गया, कितना सौदा खरीदा या बेचा गया, किस टाइम सेटल किया गया, किस तरीके से उसको सेटल किया गया, वो तमाम तर के अगेंस्ट क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो बड़ी ही ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको वहां पर दिखाया भी जा रहा है। कमिंग बैक टू दी प्रेजेंटेशन साइड, जहां पर हम बात कर रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म के एडवांटेजेस क्या हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये प्लेटफॉर्म आपके मेरे लिए हमारे एसोसिएट की तरह काम करता है, जो हमें एक तो ये ना कि रन टाइम मार्केट को देखने के लिए भी इस्तेमाल होगा, या इसके अलावा जो हमें बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि हम इसको अपनी पेंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी प्रोडक्ट की कीमत अभी 100 रुपए पे ट्रेड हो रही है एंड यू थिंक इट्स नॉट द राइट प्राइस टू बाय, तो दिस सिस्टम विल ऑपरेट एज योर एसोसिएट। आई रिपीट माई वर्ड्स, इट विल ऑपरेट एज एन एसोसिएट, और आप इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि मैं खा मार्केट देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं, अगर प्राइसेस 90 रुपीज पे आए तो आई एम अ बायर ऑफ दिस प्रोडक्ट एट दिस प्राइस, और कितना उसके लिए मैं क्वांटिटी खरीदना चाहता हूं। ये तमाम तर प्रोविजंस इस सिस्टम में मौजूद है कि एसोसिएट के तौर पे एक्ट करते हुए आपको हेल्प करेगा कि आप अपने उस तमाम तर ट्रेडिंग प्लान्स को, जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट भी है, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स भी है, उन सब को वैल्यूएट कर सकें। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंस नाउ द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल सिटी, आई बिलीव हम सब लोग किसी ना किसी हद तक बाहर ग्लोबली ट्रेवल करते हैं, चलें बाहर ना सही पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी जगहों पर ट्रेवल करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको हर वक्त लैपटॉप या लैपटॉप के सामने आप चाहिए, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और दुनिया पर कहीं पर भी होना चाहिए, दुनिया पर होना उसकी शर्त होगी। अच्छा, तो जो है आप इसको ट्रेड कर सकेंगे, खा वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, इवन अब तो अच्छी फ्लाइट्स जो है उसके ऊपर आपको व्हेन आर यू आर इन एयर तो वहां पर भी आपको जो है ना इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाती है, तो आप इसको इवन जहाज में भी यूज कर सकेंगे। ऑल यू नीड इज एन इंटरनेट कनेक्शन एंड नॉट इवन योर ओन लैपटॉप, दिस विल इक्वली इफेक्टिवली वर्क ऑन योर हैंडसेट एज वेल, एंड्रॉयड हो, टैबलेट हो, या iOS की कोई भी मशीन हो, उन तमाम के ऊपर भी आप इसको यूज कर सकेंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं लास्ट जो क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर एंटरिंग द फर्स्ट क्वार्टर रादर मिड में आ गए ऑफ दिस ईयर, तो इसको मैं लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के साथ जो है वो कंपेयर करता हूँ। गोल्ड की प्राइसेस को तकरीबन लास्ट क्वार्टर के अंदर 8.40% अप्रिशिएट हुई,
अब एक महीने के अंदर, लेट से या एक क्वार्टर के अंदर 8% का अगर रिटर्न हो, तो साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, हम उसको एवेल्युएट कर सकते हैं कि वो कितना अच्छी और अप्रोप्रिएट हमें रिटर्न की अपॉर्चुनिटी देता है। लेट से कि मैं कहता हूँ जी कि मैंने अभी जैसे हमने बात की ऑयल की या नैस्टैक की, तो मैं कहता हूँ जी कि मैं बहुत कंजर्वेटिवली बात करता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं गेन किए। अगर लेट से 1-2% की फ्लक्चुएशन ऑयल रोज दे रहा है, तो इन 22 वर्किंग डेज वी आर टारगेटिंग समवेयर अराउंड 40-44% ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब अगर मैं इसको साल पे ले जाऊं, तो ये बड़े ही कन्वीनियंटली पोटेंशियल रखता है कि मैं अपने जो इन्फ्लेशन को बीट करने का टारगेट है, ना सिर्फ उसे अचीव कर जाऊंगा, बल्कि उसके अगेंस्ट कुछ सर्टन जो अप्रिसिएशन है वो भी देख सकता हूं। बिकॉज 44% तो एवरेज फ्लक्चुएशन है एक महीने की, सिर्फ एक प्रोडक्ट की अभी हम बात करें, क्रूड ऑयल की। सो दिस इज अगेन समथिंग विच एड अप्स टू द क्रेडिट ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, which adds up to the credibility of the Pakistan Mercantile Exchange, and it becomes the strength why Pakistan Mercantile Exchange has a volume of not less than billions of rupees, which is times higher than the daily volume of Pakistan Stock Exchange even. Uske, with all due respect to Pakistan Stock Exchange, it is equally important and we love it. But obviously, जैसे मैंने start किया था presentation का कि इस वक्त बात जो है वो लग्जरी या चॉइस की नहीं है, इस टाइम ये बिजनेस जो है वो किसी हद तक नेसेसिटी बनता जा रहा है। बिकॉज जो 30-40% मैंने डिप्रिशिएट करना है इन्फ्लेशन की नजर करके, हर वाइस शख्स ये ऑप्ट करता है कि यार लेट्स जस्ट डू इट दिस वे, कि उस पैसे के ऊपर एक सर्टन रिस्क दिया जाए, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ अकाउंट खोला जाए, और फिर उसके अगेंस्ट एक अच्छे ब्रोकर इनरिचर्स के साथ काम करते हुए हम बड़ी ही आसानी से अपने प्रॉफिट टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की जी लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस की, अब हम बात करते हैं कि ये ऑन एन एवरेज फ्लक्चुएशंस क्या रहती हैं डेली बेसिस पे। सो गोल्ड की जो एवरेज फ्लक्चुएशन है, दैट इज अराउंड 24 to 25 डॉलर्स पर आउंस, ठीक है जी। फिर क्रूड की एवरेज फ्लक्चुएशन जो है वो 3 to 3.5 डॉलर्स अ डे है। अब एक ऐसी कमोडिटी जिसकी कीमत जो है वो इस वक्त 74 डॉलर्स है, चलेंगे यहां पर इन्होंने बहुत एग्जेजरेट करते हुए, इन्होंने क्या, मैंने खुद ही उसको बढ़ा के लिख दिया होगा, लेट से कि ये 3% है, तो मैं कहता हूँ ये 3% ना भी हो, ये अगर डेली की बेसिस पे सॉरी 3 डॉलर्स ना भी हो, ये 2 डॉलर्स भी हो, तो 75 डॉलर की प्रोडक्ट या 74 डॉलर की प्रोडक्ट 2 डॉलर ऑसिलेट कर रही है। सो परसेंटेज में ये तकरीबन 2% की मूवमेंट बन जाती है, या इवन मोर देन। So this is again another reason why smart people choose for investments in Pakistan Mercantile Exchange through Enriched Investment Group. अब हम आ जाते हैं जी प्रोसेस के ऊपर। जैसे हबीब साहब ने बात किया कि प्रोसेस इसका जो है वो बहुत सिंपल है, जिस प्रोसेस के जरिए से होता ही है कि आपने सिंपली अपने ब्रोकर की वेबसाइट पे जाना है। मैं आपके साथ उसका भी एक टेम्पलेट जो है वो शेयर करता हूँ, सो दैट हम उसे भी देख सकें और वैल्यूएट कर सकें। जस्ट गिव मी अ सेकेंड इफ आई एम एबल टू डू इट, बिकॉज अगेन मैं टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ, और वही हुआ शायद कि टेक्नोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा खैर, आप अपने ब्रोकर की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर ओपन एन अकाउंट की ऑप्शन है, सिंपल बेसिक क्रेडेंशियल्स आपके, आपका CNIC की फ्रंट बैक, आपका नेक्स्ट ऑफ किन नॉमिनी जिनको आप रखना चाहें उनकी क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं, उनके आईडी कार्ड की सूरत में, फिर उसके अलावा चाहिए क्या होगा आपका वैलिड इनकम सोर्स के डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जहां से आप फंड्स को मूव कर रहे हैं, और आपको आपके बैंक अकाउंट का IBAN चाहिए होगा, अलोंग विद अ नंबर, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑन योर नेम एंड एन ईमेल एड्रेस जिसके ऊपर एक्सचेंज आपके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर सके। सो आप सिंपली उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं, व्हेन यू हैव सबमिटेड डॉक्यूमेंट तो आपको एक OTP होता है व्हिच इज जनरली टू वेरीफाई योर क्रेडेंशियल्स थ्रू द नेशनल क्लियरिंग, और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो विद इन 24 आवर्स ओपन हो जाता है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको विद इन सिंगल डे जो है वो अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी दें। फिर क्या होगा कि आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का डायरेक्ट फंड मॉडल यूज करेंगे, जो IBAN आपने रजिस्टर किया पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर अकाउंट ओपनिंग के वक्त थ्रू एनरिचेस इन्वेस्टमेंट या एनरिचेस प्राइवेट लिमिटेड, आप उस IBAN का जो इस्तेमाल है वो ऑनलाइन करते हुए, या उसमें आप चेक के जरिए से या RTGS के जरिए से, आप उसके जरिए से अपने फंड्स को डायरेक्टली अपने
अकाउंट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो आपके नाम के टाइटल के साथ खुला है उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। जिस अकाउंट के लिए आपको एक SCA नंबर भी दिया जाएगा, SCA नंबर जो है इट विल एक्ट एज एन IBN फॉर यू। आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से उस IBN नंबर SCA नंबर के अंदर अपने फंड्स को ट्रांसफर करेंगे। सो योर मनी विल स्टे इन योर ओन पॉकेट एंड दिस इज अगेन समथिंग विच इज गिवन टू अस बाय पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ SECP कि मैं आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को इतने सिक्योर प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए बहुत आसानी से अपने आप को ग्लोबल ट्रेडिंग के साथ फैसिलिटेट कर सकते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं किसी भी नॉन रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पे जाऊं, किसी ग्रे एरिया में जाऊं, और यहां पर इन सारे क्रेडेंशियल्स के साथ फाइनली आपको एक मजेदार चीज बताता हूं कि इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट हर तरह की प्रोटेक्शन देगी। वो प्रोटेक्शन किस तरह की होगी कि ये इनकम आपकी लेजिट इनकम होगी। इसके ऊपर आपको सिर्फ 5% कैपिटल गेन टैक्स चार्ज होगा एंड योर ऑल मनी इज टैक्स पेड। और इसके अगेंस्ट आपको साल के एंड पे टैक्स सर्टिफिकेट भी मिलेगा विच यू कैन एक्चुअली रिफ्लेक्ट इन योर रिटर्न्स एज़ वेल। दिस विल बी द समरी फ्रॉम माय साइड। आई होप कि मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा बोर ना किया हो और कुछ वैल्यू एड कर सका हूँ आप लोगों के नॉलेज में। एंड आई बिलीव कि अब हबीब साहब जो है ही विल लीड एंड विल गो टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू हसान साहब, माशाल्लाह से इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड क्वाइट एलैबोरेट एज वेल। आई होप सो। नहीं, इट वाज क्वाइट डिटेल्ड माशाल्लाह से, इट वाज रियली वेरी इनसाइटफुल। सो वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। द फोरम इज नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस। यू कैन टाइप योर क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन एंड आंसर्स बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो रेज हैंड्स एंड आई विल लेट यू आस्क योर क्वेश्चंस। मिस हमाइला has raised her hand. I'm allowing her to unmute. So, Ms. Hamaila, please, आप question पूछ सकती हैं. A brief introduction about yourself, please. Would you know? Assalamualaikum. Waalaikum assalam. मेरा सवाल ये है कि हम risk को minimize किस तरह से कर सकते हैं? Okay. Hasan sir. Thank you very much, Miss, for putting me this question. Miss, आपको आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आपको already trade का experience है? नहीं, मेरा कोई experience नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, Miss, होता ये है कि आप कोई भी product खरीदती हैं तो आपके पास एक certain plan of action मौजूद होता है कि let's say आप कहती हैं जी कि मेरा मैंने किसी चीज को परचेज किया है 100 rupees पे। So you have an optimum profit target in your mind. हमारे यहाँ क्या होता है, यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ MetaTrader 5, आप अपने उस ऑप्टिमम प्रॉफिट टारगेट को एज पेंडिंग इंस्ट्रक्शंस यू कैन प्लेस इनटू योर सिस्टम जहां पर आप उसको मटेरियलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं रैशनल की तरफ कि रिस्क बेसिकली डिटरमिन कैसे किया जाता है। रिस्क फैक्टर को डिटरमिन करने के बस दो बेसिक तरीकाकार हैं। वन, आप इसको क्वांटिटी से मशरूत करते हैं, यानी कि मैंने इतना क्वांटिटी, लेट से आपने 1000 बैरल्स जो है वो क्रूड ऑयल के परचेज कर रखे हैं एंड यू प्लान कि मैंने अपना रिस्क जो है उसको $500 से ज्यादा का नहीं लेना। अब ये जो रिस्क एपेटाइट है इसको अगर आपने वॉल्यूम में डिसाइड किया है तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप डिसाइड करते हैं कि मुझे उसके अंदर डेल्टा कितना मिल सकता है। ठीक है जी, और दूसरी डेल्टा वाली बात आपको समझ आएगी मिस? नहीं। अच्छा, डेल्टा कैसे, आप एक्सप्लेन कर दें। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेसिकली होता है बाइंग एंड सेलिंग रेट के अंदर जो डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, आपने 100 पे परचेज किया और आप कहती हैं कि 97 इज द टाइम जहां तक मैं अपना एग्जिट प्लान करना चाहती हूँ। अब ये तो आपने अपने आप को एक एग्जिट प्लान दे दिया कि इससे नीचे खा मार्केट जितना भी नीचे चली जाए, दिस इज माई बेयर मिनिमम जो मेरी रिस्क एपेटाइट या मेरा फाइनेंशियल मसल या मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मुझे अलाउ करती है, लेकिन इससे नीचे मैं उस लॉस को होल्ड नहीं करूंगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रिस्क मैनेजमेंट में आती है कि अगर आपका रिस्क फैक्टर जो है वो $2 है या $3 है तो आपके प्रॉफिट या लॉस जो होता है ना इनके अंदर, यानी आपका जो आपने एग्जिट प्लान किया है लॉस की सूरत में और जो आप एग्जिट प्लान करेंगे प्रॉफिट की सूरत में, उनके दरमियान कोई 1:2 की एटलीस्ट रेशियो मेंटेन करनी चाहिए। यानी ₹1 अगर आप जाने का सोच रही हैं तो आपका प्रॉफिट टारगेट जो है वो एटलीस्ट ₹2 या ₹4 होना चाहिए, यानी 2 या 3 times होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपने लेट से हमने प्लान कर लेते हैं, हम 2 पे प्लान करते हैं,
और 5 ट्रांजेक्शन आप या 10 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करें ना, जिसके अंदर आपने 1:2 की रेशियो मेंटेन की है, तो अब होगा क्या कि आपकी 1:2 की रेशियो मेंटेन होने से आपके अगर 50% भी रिसर्च गलत हो जाएगी ना, तो यू विल बी लूजिंग 5, एंड ऑन द अदर हैंड यू विल बी गेनिंग 10, दैट्स ग्रेट, थैंक यू राइट? सो तो जब मच. आप नेट ऑफ करेंगी तो यू विल स्टिल बी इन प्रॉफिट विद 5 रुपीज. सो दिस इज हाउ यू प्लान योर ट्रेड. थैंक यू सो या यू मच. शुड, माय प्लेजर, माय प्लेजर. ओके. अच्छा, बिफोर वी आर टेक मोर क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू लॉन्च अ वेबिनार पोल. ये बेसिकली वेबिनार की फीडबैक के लिए है, ताकि वी कैन मेक इट इवन मोर अमेजिंग फॉर यू गाइस. तो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, प्लीज इसको भी आंसर कर दीजिएगा. इसका कोई वो नहीं है. अच्छा, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन एंड आंसर्स बॉक्स. इसमें मिस्टर टॉफी चीमा साहब ने क्वेश्चन किया है, वंडरफुल क्वेश्चन. ऑल द डिस्कशन वाज अराउंड प्रॉफिट, सही है. व्हाट अबाउट लॉस पॉसिबिलिटी? मिस्टर हसान, इफ यू वुड लाइक टू इलैबोरेट ऑन दिस. मिस्टर जीवा, थैंक यू वेरी मच. मैं थोड़ा सा इसमें ना रेक्टिफाई कर देता हूँ. मैं आज कर देता हूँ, इट वाज अबाउट अपॉर्चुनिटी, और आई अपोलोजाइज फॉर दिस थिंग. अगर आपको उसके अंदर रिस्क जो है उसको हम थोड़ा उसकी बात में कन्वे नहीं कर पाया. बेसिकली अपॉर्चुनिटी जो होती है दैट इज समथिंग विच यू हंट, और इसी तरीके से आपका ट्रेड भी होता है, विच यू एक्चुअली व्हेन यू आर इन टू द मार्केट यू आर ट्राइंग टू हंट द अपॉर्चुनिटी. इससे पहले जो साहिबा थी जिन्होंने क्वेश्चन किया, वो ये है कि हमने जैसे बात की थी कि मुझे मार्केट में एंटर होते हुए ये देखना है कि मैं मार्केट में फॉर एग्जांपल एंटर हो रहा हूँ तो क्यों हो रहा हूँ. जिसके लिए आपको मैं एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ. अमेरिका जो है वो हर वीक में वेंसडे को, आज में भी बल्कि वो रिपोर्ट आनी है, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ. बेसिकली अमेरिका जो है वो क्या करता है, वो हर वीक में ना अपनी इन्वेंट्रीज रिलीज करता है. इन्वेंट्रीज से क्या मुराद है? इन्वेंट्री से मुराद ये है कि उनके पास रिजर्व्स में क्रूड ऑयल कितना मौजूद है. अब अमेरिका बीइंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल अपने फिगर्स रिलीज करता है. अब अगर वो बता रहा है कि मेरे पास इन्वेंट्री में मौजूद क्रूड ऑयल जो है वो ज्यादा है उसकी जरूरत से, तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर जाना एक रैशनल एक्सपेक्टेशन ना हो. ठीक है जी, जस्ट टू ऐड पिक्चर टू माई वर्ड्स, आई विल टेक द लिबर्टी कि मैं अपनी स्क्रीन जो है उसको शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. यस सर, इट इज. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, इसके अंदर आप देखेंगे ये एक सर्च इंजन है फॉर द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, इसको कहा जाता है फॉरेक्स फैक्ट्री. अब आप ये देखें कि अमेरिका जो है वो आज 8:30 पे, टुडे इज फॉर्चुनेटली वेंसडे, 8:30 दे विल रिलीज द रिपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज. अब क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, हम इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं. चेंज इन द नंबर ऑफ बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल हेल्ड इन इन्वेंट्री बाय कमर्शियल फर्म्स ड्यूरिंग द पास्ट वीक. ये क्या है कि कमर्शियल फर्म्स ऑफ अमेरिका जो वीक के अंदर अपनी कंजम्पशन है उसके अगेंस्ट उनके इन्वेंट्री में मौजूद जो क्रूड ऑयल है उसका इन्वेंट्री का फिगर क्या है, कमर्शियल फर्म्स अगेन आखिरी वीक का. अब लास्ट वीक के अंदर द नंबर वाज 1.2 मिलियन बैरल पॉजिटिव. सो दैट मींस कि ये अपनी जरूरत से 1.2 मिलियन बैरल ज्यादा मौजूद था. अब अगर कोई चीज जो है वो एक्सेस में मौजूद होती है तो क्या होगा कि उसकी प्राइसेस के अंदर अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करना कोई बहुत वाइज चीज नहीं होगा. होगा क्या कि डिमांड जो है वो लेट से 100 रुपए की है और उसके अगेंस्ट 130 रुपए मौजूद हैं, तो मार्केट बाय डिफॉल्ट ओवर सप्लाइड फेज में चली जाएगी. अच्छा, अब पहली रिस्क मैनेजमेंट ये होती है कि हम मार्केट में वो रीजन जानते हो जिस रीजन की बेसिस पे हम मार्केट में एंटर हो रहे हैं. दूसरी रिस्क मैनेजमेंट ये होती है कि जो मेरा प्रॉफिट टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल एक दिन के अंदर जैसे हमने बात की कि क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट कोई $3 मूव करता है, या लेट्स से कंजर्वेटिवली स्पीकिंग $2 मूव करता है, तो अगर क्रूड ऑयल की मूव $2 की है तो मेरा प्रॉफिट टारगेट जो है वो कतई तौर पे $2 से बड़ा तो नहीं हो सकता. अब अगर मेरा प्रॉफिट टारगेट $2 है तो डिस्कसिंग या कनेक्टिंग विद द प्रीवियस डिस्कशन जहां पर हमने कहा कि आपके प्रॉफिट और लॉस के अंदर 1:2 की रेशियो एटलीस्ट होनी चाहिए,
तो अगर $2 का प्रॉफिट टारगेट है तो दैट मींस माय रिस्क एपेटाइट और रिस्क एक्सपोजर शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड $1. दिस इज वन वे टू मिनिमाइज योर रिस्क. और येट अगेन रिस्क जो है वो ही रिस्क को करीब लाता है. तो कैलकुलेटेड रिस्क रिस्क के साथ जब हम मार्केट में एंटर होते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान रहता है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी कर सकें. मैं दोबारा पहले वाली जो प्रपोजिशन शेयर की थी उन खातून से वो भी शेयर करता हूं कि अब हम ये कहें कि हम हर ट्रेड को नफे में सेटल कर सकते हैं तो ये तो शायद मुमकिन नहीं होता किसी भी शख्स के लिए. शायद ह्यूमनली भी पॉसिबल ना होता हो टू माई लिमिटेड नॉलेज. लेकिन हम एक अच्छे फॉलोअर होते हुए गुड एंड बैड डेज इन द मार्केट करते हुए वी कैन एंड अप मेकिंग समथिंग. इसकी मिसाल कैसे है, जैसे आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, हाइपर स्टार पे या 7-Eleven पे ग्लोबली अगर आप ट्रेवल करने चाहते हैं करते हैं तो वहां पर आपको जनरली बहुत बेसिक बेसिक सी चीजों पे बहुत सारा ऑफ मिलता है. अब ये पर्टिकुलर वो स्ट्रेटजी है जहां पर हो सकता है कि किसी जगह पर वो नुकसान भी करते हो जस्ट टू इंक्रीज देयर फुटफॉल. सो वी कैन नॉट डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ द बिजनेस बेस्ड ऑन वन और टू और थ्री डिसीजंस. दिस हैज टू बी क्यूमुलेटिव सम ऑफ यू नो मे बी डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड मल्टीपल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज विच यू अप्लाई ऑन दिस बिजनेस एंड यू ट्राई टू कंट्रोल इट. आई होप कि मेरा सवाल आपका जो सवाल है उसको मैं एड्रेस कर सका हूँ. इफ नॉट तो प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एज मेनी टाइम्स एज यू वॉन्ट. जी जनाब. ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आजम गोल्ड साहब ने क्वेश्चन किया है. ये नाम बहुत पुराना जाना पहचाना है. अच्छा चलें सही है. वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हबीब भाई इफ यू कुड बेसिकली बल्कि हसान भाई सर यास अमीन साहब ने बोला है कि डेमो ऑफ बाइंग 100 बैरल ऑयल इफ यू कुड डेमो ऑफ 100 barrels. जी डेमो अच्छा अकाउंट पे अगर आप मैं बिल्कुल आपके साथ जी जी शेयर करता हूँ. मैं भी बस रहा ये टेक्निकल जो ग्लिच है ना मेरा कि मेरी टेक्नोलॉजी थोड़ी वीक है उसकी वजह से दिस अभी तक फाइन नहीं दिस जा पाया कंप्लीटली ये फाइन, भी. कोई हाँ मसला नहीं है. आई होप मेरी MT5 की स्क्रीन जो है वो तमाम लोगों को विजिबल है. यस इट्स विजिबल नाउ. अच्छा जी क्रूड ऑयल के जी जैसे अभी ये आपके सामने नजर आ रहा होगा दिस इज क्रूड 100 और करंट प्राइस इज $73.80. हम क्या करते हैं जी कि हम इस पहले जो ट्रेड चल रही है उस ट्रेड को एक दफा क्लोज कर देते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना रहे. अब इट इज वेरी सिंपल. आपकी यहां पर जो ट्रेड की विंडो है उसके अंदर आपको आपका बैलेंस, आपकी एक्विटी, आपका फ्री मार्जिन, यानी ये बेसिकली क्या होता है, बैलेंस इज द अमाउंट जो आपके अकाउंट में मौजूद है. अगर कोई ट्रेड नहीं चल रही तो एक्विटी और बैलेंस सेम होता है. उस पैसे में से कितना पैसा आइडल पड़ा है, फ्री पड़ा है, दैट इज कॉल्ड द फ्री मार्जिन. सो करंटली चूंकि हमारी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो हमारी ये फ्री एक्विटी सारी की सारी 6.7 मिलियन एंड 8,000 जो है ना वो तकरीबन रिफ्लेक्ट कर रहा है सिस्टम. हम क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल कि आप अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करते हैं, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ वॉल्यूम आ रहा है उसके अंदर आप इस 100 barrels के यू कैन बाय मल्टीपल्स. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक बाय कर रहा हूँ जो कि अभी बात सवाल जो है वो 1 barrel के लिए हुआ तो मैं इसको आपके सामने मुझे मार्केट ने कितनी खूबसूरती से बाय और सेल दोनों का रेट दे दिया. अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइसेस थोड़ा ऊपर जा सकती है जो भी हमारी रिसर्च है. मैं उस बाय पे क्लिक कर देता हूँ. अब क्या हुआ, सिस्टम ने बताया क्रूड 100 barrels टिकट नंबर ये एट दिस टाइम यानी 17:05 5:05 और 38 सेकेंड्स के ऊपर मैंने बाय किया, एक वॉल्यूम बाय किया, द प्राइस वॉज 73.88. आई हैव नो टेक प्रॉफिट प्लेस्ड और नो स्टॉप लिमिट प्लेस्ड एंड द करंट प्राइस इज $73.85. सो इन दोनों प्राइसेस के गैप की वजह से इस वक्त मेरा जो फ्लोटिंग लॉस है दैट इज 1,117 रुपीज. अब जैसे जैसे आप इस प्राइस के ऊपर गौर करें, बल्कि इसको मजीद आसान करने के लिए हम क्रूड की प्राइस को यहां पर भी ले आते हैं, आप देखें तो मुझे यहां पर जैसे जैसे ये प्राइसेस मूव कर रही हैं वैसे वैसे नफा नुकसान जो है वो नजर आ रहा है, वो कभी बढ़ रहा है या कभी कम हो रहा है. ठीक है जी, तो दिस इज हाउ यू एग्जीक्यूट अ ट्रांजेक्शन. फिर इसके लिए आपको कोई मिलियंस ऑफ रुपीज एंगेज करने की जरूरत नहीं पड़ी.
इसके लिए जो टोटल मार्जिन एंगेज हुआ हमारा दैट इज 96,700 रुपीज, 96,700 रुपीज, वेयर एज अब हमने 6.7 मिलियन में से 96,000 यूटिलाइज किया, तो 66,10,000 रुपीज इज करंटली माई फ्री एक्विटी, यानी फ्री मार्जिन, यानी मैं मजीद इतने पैसे जो मेरे अकाउंट में आइडल पड़े हैं मैं अभी और भी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकता हूं। अब आ जाते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट वाली साइड पे। आप अगर देखें तो यहां पर दो टर्म्स आ रही है, वन इज SL एंड द अदर वन इज TP। सो SL जो होता है दिस स्टैंड्स फॉर स्टॉप लॉस, जैसा ये टर्म इटसेल्फ जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि स्टॉप लॉस ये आपके लॉस को रोकने के लिए काम आता है। अभी हमारी बाइंग प्राइस है $73 $73.88। हम क्या प्लान करते हैं, हम कहते हैं कि अगर मार्केट ड्रॉप करे $73 से ये आ जाए लेट से 61 सेंट्स पे, $73.61। मैं यहां पर इसको मॉडिफाई कर देता हूं, अब यहां पर एक प्राइस आने लगी $73.61। अब क्या होगा कि अगर लेट से मेरे एनालिसिस जो हैं वो गलत हो गए हैं तो मुझे अपने एनालिसिस के गलती को एक्सेप्ट करते हुए अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक इस स्टॉप के ऊपर मार्केट से एग्जिट प्लान कर लिया है मैंने। अब मार्केट में ये पेंडिंग इंस्ट्रक्शंस का काम करेगा कि जब भी प्राइसेस जो है वो गिरती हुई $73.61 पे आएंगी तो मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली मार्केट से एग्जिट हो जाएगी और मुझे अपनी रिस्क एपेटाइट से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। तो ये हो गया वो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। दूसरी तरफ हम आते हैं द टर्म टीपी, टेक प्रॉफिट। अब ये जो टीपी है ये बेसिकली क्या है, टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट से मुराद ये है कि ये वो प्राइस है जहां पर मैं समझता हूं कि दिस इज द ऑप्टिमम और इधर आके मुझे अपनी पोजीशन को जितना भी नफा हो चुका है इट इज गुड इनफ एंड आई वांट टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। तो जैसे हम यहां SL पे डबल क्लिक किया था उसी तरीके से हम TP पे डबल क्लिक करेंगे और अगेन नॉट टू फॉरगेट 1:2 की रेशो होनी चाहिए। हमने तकरीबन 25 सेंट्स का रेस्पेक्टर लिया तो यहां पर हम कुछ तकरीबन 60-70 सेंट्स का टेक प्रॉफिट प्लेस करते हैं। हम कहते हैं कि हम एग्जिट करेंगे 74.57 सेंट्स पे, यानी $74.57 पे जब प्राइसेस आए तो मैं ऑटोमेटिकली नफे में भी इसको एग्जिट करना चाहता हूं। दिस इज अगेन अ पेंडिंग इंस्ट्रक्शन, एन एसोसिएट इज देयर लुकिंग आफ्टर माय पोजीशंस जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी मेरा ट्रेडिंग प्लान है वो मेरी विश के मुताबिक एज इन्वेस्टर एग्जीक्यूट हो, ये भी हमने प्लेस कर दिया। बाय द वे अभी मार्केट जो देखे हमारी बाइंग प्राइस पे एग्जैक्ट बाइंग प्राइस पे आ चुकी है तो मेरा प्रॉफिट या लॉस जो है वो 0-0 रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे ही प्राइस ऊपर जा रही है तो मुझे नफा भी उसी के अगेंस्ट बढ़ रहा है, लाइकवाइज अगर प्राइसेस नीचे आती जाएंगी तो मेरा प्रॉफिट या लॉस रन टाइम मुझे नजर आ रहा होगा। आई होप द क्वेश्चन इज एड्रेस्ड। अच्छा मेरा एक और सवाल है छोटा सा जी, हमारा गो अहेड प्लीज। हमें अपनी ट्रेडिंग को करते हुए रिपोर्ट्स को फॉलो करना चाहिए, मतलब जो भी वेबसाइट है 100% करना चाहिए? 100% बिल्कुल करना चाहिए बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। ये जो ग्राफ्स होते हैं जो आपके सामने आ रहे हैं ये ग्राफ क्या है, ये बेसिकली इट्स पीपल्स सेंटिमेंट ऑन सर्टेन प्राइस। व्हाट एवर द रीजन इज बिहाइंड माय क्लिक देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम एंटरिंग द मार्केट। व्हाट इज दैट रीजन, दोज आर द फंडामेंटल रीजंस। और हम फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों का ब्लेंड बना के चलेंगे तो ये ऐसे ही है जैसे हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसी तरीके से आपका टेक्निकली मार्केट को रीड करना और फंडामेंटली रीड करना विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द मार्केट। बट एज अ क्लाइंट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ग्राफ को किस तरह से रीड करते हैं, तो यू मुझे जो यू नीड अ रिपोर्ट, गुड ब्रोकर लाइक एनरिचर्स आई मस्ट से। अगर अगर मुझे रिपोर्ट मिलती है कि मेरी टारगेटेड प्राइस ये है, यहाँ तक हिट कर जी सकता है, तो मुझे उसे फॉलो करना चाहिए? यानी कि गोल्ड की बिल्कुल प्राइस करना चाहिए, यहाँ तक जा सकती है, डॉलर इतना मूव हो सकता है, तो मुझे उसे फॉलो करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। और बस एक चीज होती है उस एक्सपेक्टेशन को रैशनल होना चाहिए और आई होप के हबीब साहब कैन ब्रिज अप समथिंग जहां हम कनेक्ट हो सकें दोबारा से। तो आई कैन एक्चुअली हमारा इसके ऊपर एक बड़ा डिटेल लेक्चर मौजूद है कि हाउ डू यू ब्रिज दोस थिंग्स एंड हाउ डू यू रैशनलाइज योर ऑप्टिमम प्रॉफिट टारगेट्स।
अच्छा सर, मुझे बताएं कि आप मिनिमम कितनी अमाउंट से, मतलब कि सजेस्ट करेंगे कि हमें अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, जैसे आपको यानी कि किसी देखें। अमाउंट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, आपको डेमो अकाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। यू शुड फर्स्ट लर्न द मार्केट, ठीक है, ठीक है जी? आफ्टर लर्निंग। यस। फिर उसके बाद आप अगेन पैसे डिसाइड नहीं करेंगे, आप वॉल्यूम्स डिसाइड करेंगे कि मुझे कितने वॉल्यूम का काम करना है। उस वॉल्यूम के मुताबिक विल प्लान योर होल्डिंग पावर एंड सजेस्ट यू कि आपको कितना एक कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। एक्सचेंज की तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं होती है। योर अकाउंट कैन बी स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट अप योर अकाउंट विद जीरो इक्विटी, ठीक है? ये तो आपने डिसाइड करना होता है कि मुझे वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने हैं। बिकॉज बट देखें जी, जैसे कि आपने शुरू में बताया कि हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल एक करना प्रोडक्ट चाहिए, पे रिलाई नहीं करना चाहिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहिए, 100% पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। तो ट्रू। अगर मैं ऑयल ही बाय करना चाहती हूँ, मैं गोल्ड ही बाय करना चाहती हूँ, और मैं गोल्ड को बाय ऑन डिप्स करना चाहती हूँ, यानी कि अगर वो जी, प्राइस में डाउन हो रहा है तो मैं इसे आपके और बाय ट्रेडर करना वाले चाहती सवाल लगते हैं। अच्छा, बाय ऑन डिप्स करना चाहती हूँ, ठीक है। हूँ। अच्छा, तो उसके लिए ऑब्वियसली देखें, आपको लेट्स से आपने 100 आउंस ऑफ गोल्ड प्लान कर लिया, आपको उसके लिए यू नीड अराउंड 1 बिलियन रुपी। फॉर्चुनेटली पीएमएक्स के जो वॉल्यूम्स उस मार्जिन हैं वो रिड्यूस हैं। अभी आपको तकरीबन 9,50,000 एंगेज करना होता है फॉर 100 आउंसेस ऑफ गोल्ड। अगेन क्रूड ऑयल की 1,000 बैरल्स के लिए भी अराउंड 1 मिलियन का मार्जिन चाहिए। तो आप हर दोनों तीनों चारों प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम्स के मुताबिक उतनी ही इक्विटी अपनी एड अप करके, देन यू एड अप रिस्क एपेटाइट इक्विटी विच इज द फ्री मार्जिन देयर विच हैज टू बी देयर इन योर अकाउंट, उसके मुताबिक पोजिशंस को प्लान करते हैं। तो फिर ये वॉल्यूम अगेन उन्हीं चीजों की बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कितना फंड डालना चाहिए और कितना ट्रेड करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो मेरे जहाँ तक मुझे समझ आई है कि हमें यानी कि लेवरेज कम से कम लेनी चाहिए, यानी कि अगर हम 100% लेवरेज में ट्रेड करेंगे तो ये रिस्की भी हो सकता है हमारे लिए। ये तो देखें, आप 100% पैसा रख के भी ट्रेड करेंगी तो रिस्की उतना ही हो सकता है। आपको रिस्क अब मैनेजमेंट देखिए, सीखनी चाहिए। हाँ लेवरेज वो इज ऑलवेज गुड, लेवरेज इज ऑलवेज गुड प्रोवाइडेड यू नो योर एग्जिट्स, ठीक है जी? लेवरेज देखें ग्लोबली जो है, एक्सचेंज इटसेल्फ इसका बड़ा ख्याल रखती है कि इतना लेवरेज ना हो कि क्लाइंट ओवर एक्सपोज हो जाए, ठीक है जी? तो वो पार्ट इज टेकन केयर। दिस इज अगेन समथिंग विच इज रादर मोर डूएबल, उसका कंट्रोल होता है व्हेन इट कम्स टू योर ओन रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज जो मैकेनिज्म्स हैं वो तो डिजाइन किए गए हैं आपको ईज करने के लिए, ठीक है जी? तो अब एक है पहाड़ पे खड़े हो जाना उसकी चोटी पे और वहां से व्यू को एंजॉय करना बहुत अच्छे से। अब वो रिजॉर्ट बना है व्यू एंजॉय करने के लिए, वहां से आपने छलांग मारने का प्लान किया तो एक्सचेंज की या ब्रोकर की जिम्मेदारी ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ जी, तो वो तो आप खुद प्लान करेंगे ना, यानी कि वो हमारी अपनी प्लानिंग होगी, हमारी अपनी मैनेजमेंट होगी, आपके हमारा साथ अच्छा अपना। ब्रोकर होगा तो ठीक हो जाएगा। एक क्रिटिकल सवाल भी कोई करें, ये तो मजेदार वाले क्यूट क्यूट सवाल है अभी साहब। अच्छा, आप थोड़ा सा मार्जिन कॉल के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे कि मार्जिन कॉल मतलब क्यों आती है, कब आती है? बिल्कुल कर देते हैं। अभी आई होप कि क्रूड ऑयल की ट्रेड वाली विंडो आप सबके लिए विजिबल है। जी, ओपन है। अच्छा, मार्जिन कॉल तब आती है जी जब आपके, अभी देखें 96,000 इंगेज हुआ, 96,700, बल्कि हम इसको ना एक ऐसा हैबिटेट बना ही लेते हैं जहां मार्जिन कॉल आ जाए, फिर ये लाइव एग्जांपल से आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। थैंक यू। जब आपका फ्री मार्जिन जो है ना वो रिड्यूस होके आ जाता है ना जीरो पे, तो फिर आपका फ्री मार्जिन नेगेटिव में जाने लगता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है मार्जिन कॉल। ये आपकी पुरजोर फरमाइश पे मार्जिन कॉल हम क्रिएट कर रहे हैं। थैंक अच्छा यू सो जी, मच। वॉल्यूम लिमिट ब्रीच्ड। अच्छा जी, ओके यार, पीएमएक्स में मार्जिन कॉल आना बहुत मुश्किल काम है। अभी देखें कि हम जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, हमारा फ्री मार्जिन जो है वो 3.6 मिलियन रह गया, और उसी के मुताबिक जो है हम मजीद इसको इंक्रीज करते जाते हैं ताकि वो एक ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट कर सकें जहां पर आपको मार्जिन कॉल जो है उसका भी लाइव एक फ्लेवर मिल जाए। कुछ हम और प्रोडक्ट्स भी ट्रेड कर लेते हैं जी। अभी मेरा ख्याल है मार्जिन कॉल के हम करीब आ गए। अब ये देखें, ये फंडामेंटल के बगैर ट्रेड हो रही है तो फिर इसलिए ऐसी हरकत हो रही है, अदरवाइज आप फंडामेंटल पे चलेंगे तो मार्जिन कॉल की सिचुएशन नहीं होगी। अब आप देखेंगे आपका फ्री मार्जिन जो है सिर्फ 45,000 रह चुका है,
ठीक है जी। अब अगर राइट ये फ्री मार्जिन मार्केट आपके थोड़ा सा और अगेंस्ट जाएगी तो ये फ्री मार्जिन आपका हो जाएगा लेट्स से जीरो। जैसे ही आपका फ्री मार्जिन जीरो हो जाएगा उसी समय आपकी मार्जिन कॉल जनरेट हो जाएगी एंड योर ब्रोकर विल अपडेट यू, द एक्सचेंज विल अपडेट यू दैट देयर इज अ मार्जिन कॉल, यू शुड प्लान योर पोजीशन अकॉर्डिंग टू योर एक्विटी। अब ये देने का मकसद ये होता है कि जहां पर आप अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, बाज दफा ऐसा होता है कि आप यूर इन ऑप्टिमिज्म ऑफ समथिंग और आपकी थोड़ा सा एक्सपोजर मिसमैनेज्ड है, तो इसके लिए भी एक्सचेंज ने मैकेनिज्म ये रखा है कि रात में आपके इनिशियल मार्जिन डबल किए जाते हैं सो दैट आपकी एक्विटी जो है आप उससे ज्यादा के एक्सपोजर ना लें। लेकिन ये वो सिचुएशन है जो नॉर्मली नहीं होती, या एक अच्छा ब्रोकर जो है वो ऐसी सिचुएशन नहीं आना देता। ये देख लें अभी तो फायदे में जा रही हैं आप। अच्छा, आप लोग जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसमें सोर्स ऑफ इनकम मैंडेटरी है, यानी कि प्रोवाइड करना है डिटेल सोर्स ऑफ इनकम की। 100% 100% देखें इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी प्रायोरिटी इज टू कंप्लाई विद ऑल गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इट्स आर मिशन पार्ट कि हमने गवर्नमेंट की हर रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी है। Generally, we encourage clients to do it, and trust me, the people who do it, they are always among those who are safe. So it's a very important and I would say integral part of account opening process, जहाँ पर आपको करंट रहना चाहिए, अपनी हर डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, ये लीगल है ना, तो जो भी होगा तो स्टेप बाय स्टेप वो ऑफिशियली होगा। बिल्कुल ऐसे ही। सर मेरे ख्याल से आई थिंक इफ देयर इज नो मोर क्वेश्चंस तो उसके बाद फिर हम लोग अब क्लोज की तरफ चलते हैं। जैसा तो मुनासिब समझे। आई होप कि हमने आई थिंक क्वेश्चंस जो ऑल द थे वो क्वेश्चंस एड्रेस हैव कर बीन दिए। आंसर्ड। बस एक ये वाला सवाल रहता है, ये जो एक हमारे पार्टिसिपेंट है माइक्रोसॉफ्ट के नाम से, आई थिंक हसन यू वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर दिस, कि वीपीएस होस्टिंग स्पीड, वीपीएस के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि MT5 को यूज किया जा सकता है वीपीएस यूज करते हुए। वीपीएस यूज करते हुए बिल्कुल यूज किया जा सकता है। ये बेसिकली एक जो है ना वो बाज ऐसी जगह होती है, सर्टेन कंट्रीज की लिमिटेशंस होती है, लेकिन बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट कनेक्शन से यूज कीजिए। उसके ऊपर जो है वो डेफिनेटली आपको कोई अगर उस सिस्टम का ग्लिच होगा तो उसके उसके ग्लिच की वजह से आपकी ट्रेड इफेक्ट हो सकती है, तो यू शुड बी एक्सेसिंग इट राइट अवे, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। और उसके लिए उससे बेहतर ये होता है कि आप इसका वेब टर्मिनल यूज कर रहे हैं, वो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। चले सर फिर क्लोज करते हैं। ये मेरे ख्याल से हुमायला जो है, इनका आई थिंक कोई और भी सवाल है, उन्होंने नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सवाल बहुत नहीं। हेल्प की। थैंक यू सो मच। चले थैंक यू सो मच जी, आर थैंक यू सो प्लेजर। मच एवरीबडी, आप सबने ज्वाइन किया, हसन साहब थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस ऑल द इनसाइट्स एंड डिटेल्स। फॉर एनी अदर क्वेश्चंस के, किसी के भी कोई सवालात हो, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट pmex.com.pk, और इनरिचेस प्राइवेट लिमिटेड की भी वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हैं, जाके कांटेक्ट डिटेल्स निकाल के उनको कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग। थैंक यू सो मच, यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस। आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपना ख्याल रखिए, और उसके बाद फिर अगर हो सके तो हमारा नेक्स्ट सेशन भी ज्वाइन कीजिएगा। डिटेल्स विल बी फ्लोटेड शॉर्टली। हसन साहब थैंक यू सो मच, उस्मान थैंक यू सो मच, ख्याल थैंक रखिए यू आप। वेरी मच फॉर हैविंग अस विद यू। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। टू वेरी यू मच, टू, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह टेक केयर, हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।